नमस्कार, मेरा नाम संजना है। मैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कन्ना सरकाल की 11वीं कक्षा की छात्रा। मैं आज आपके सामने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में बताना चाहती हूँ। नई शिक्षा नीति आई, शिक्षा में गुणवत्ता लाई, आत्मनिर्भर बने भारत, लेकर पूर्ण सुधार आई। अभी हमारा स्कूल सिस्टम 10+2 है, यानी 10वीं तक सारे सब्जेक्ट और 11वीं में स्ट्रीम तय करनी होती है। नए सिस्टम को 5+3+3+4 बताया गया है। इसमें स्कूल के आखिर 4 साल यानी 9वीं से लेकर 12वीं तक एक समान माना गया है, जिसमें सब्जेक्ट गहराई में पढ़ाए जाएंगे, लेकिन स्ट्रीम चुनने की जरूरत नहीं होगी। मल्टी स्ट्रीम पढ़ाई होगी। फिजिक्स वाला चाहे तो हिस्ट्री भी पढ़ पाएगा, जहाँ कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जैसे म्यूजिक जहाँ कोई गेम है तो उसे भी एक सब्जेक्ट की तरह ही शामिल कर जाएगा। ऐसी रुचि वाले विषयों को एक्स्ट्रा नहीं माना जाएगा। सभी बच्चे 3 या 5 और 8 की स्कूली परीक्षा देंगे। ग्रेड 10 और 12 के लिए कोई बोर्ड परीक्षा जारी रखी जाएगी, लेकिन इन्हें नया स्वरूप दिया जाएगा। एक नया राष्ट्रीय आकलन केंद्र परख स्थापित किया जाएगा। स्कूलों के सिलेबस में बदलाव किया जाएगा। नए सिरे से पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा और वो पूरे देश में एक जैसे होंगे। जोर इस पर दिया जाएगा कि कम से कम 5वीं क्लास तक बच्चों को उनकी महाभाषा या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाया जा सके। किसी भी विद्यार्थी पर कोई भी भाषा नहीं थोपी जाएगी। भारतीय पारंपरिक भाषा और साहित्य भी विकल्प के रूप में उपलब्ध होंगे। स्कूल में आने की उम्र से पहले भी बच्चों को क्या सिखाया जाए, ये भी पेरेंट्स को बताया जाएगा। धन्यवाद।